तो दोस्तों कुछ दिनों में AIFF में इलेक्शन होने वाला है फॉर न्यू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आप सबको बेस्ट 5 पोटेंशियल कैंडिडेट्स के बारे में बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमदीप और मैं आप सभी को इंडियन स्पोर्ट 360 की और एक ब्रांड न्यू एपिसोड पे वेलकम करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट था, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है इंडियन फुटबॉल के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट्स लाने में। देखिए, नंबर 5 पे है आदित्य ठाकरे, जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो आदित्य ठाकरे ने AMFA के साथ बहुत अच्छा काम किया है, मुंबई में सारे टूर्नामेंट्स को रिवाइव करने में एंड मुंबई फुटबॉल लीग को बेहतर तरीके से रेगुलरली कंडक्ट करने में सक्सेसफुल रहा है। 2 फुटबॉल स्टेडियम को तैयार किया है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है और यूथ डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया है। तो यंग लीडर आदित्य ठाकरे इज डेफिनेटली ए पोटेंशियल कैंडिडेट। देन नंबर 4 पे है टॉम जोस, जो केरला फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है एंड उनके टेन्योर में केरला ने संतोष ट्रॉफी को जीता है। केरला में फुटबॉल लीग रेगुलरली होना शुरू हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, और केरला में फुटबॉल का क्रेज़ आसमान को छुआ है। सो फॉर हिज इम्प्रेसिव वर्क विथ केरला फुटबॉल एसोसिएशन, टॉम जोस इज़ ए गुड कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। देन नंबर 3 पे है NA हैरिस, जो कर्नाटक फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है एंड ही इज़ वन ऑफ दोज हु ऑलवेज रेज्ड हिज वॉइस फॉर AIFF इलेक्शन। तो हैरिस ने कर्नाटक में फुटबॉल के लिए ह्यूज काम किया है। उनके टेन्योर में कर्नाटक में स्टेट लीग कंडक्ट किया था बेहतरीन तरीके से, हर एक डिवीज़न में। वहाँ पे ग्राउंड का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट कर्नाटक में ह्यूज नंबर ऑफ फुटबॉल एकेडमीज है और यहाँ पे हर एक एज ग्रुप में अंडर 8 से अंडर 18 तक यूथ लीग कंडक्ट किया जाता है रेगुलरली। सो डेफिनेटली NA हैरिस इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर AIFF प्रेसिडेंट। देन नंबर 2 पे है जयदीप मुखर्जी, फॉर्मर IFA जनरल सेक्रेटरी। तो उनके टेन्योर में सक्सेसफुली कोलकाता लीग फिर से लौट आया है कोविड के बाद। आई लीग बैक टू बैक 2 बार कोलकाता में सक्सेसफुली बायो बबल के भीतर होस्ट किया गया है। IFA शील्ड बेहतरीन तरीके से कंडक्ट किया गया है एंड वोमेंस फुटबॉल लीग स्टार्ट किया गया है और IFA का जो फाइनेंशियल डेब्ट था वो भी कम करने का प्रयास किया है उन्होंने। सो जयदीप मुखर्जी इज़ ऑब्वियसली ए पोटेंशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ AIFF। देन नंबर 1 पे है शाहजी प्रभाकरण, एनअदर केरला मैन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल दिल्ली। तो उनके अर्ली लाइफ में ही वॉज अ कोच इन चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी फॉर 4 ईयर्स। देन उनको फीफा के साउथ एशियन फुटबॉल के डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया था। नाउ ही इज़ विथ फुटबॉल दिल्ली। तो उनके फुटबॉल के कोचिंग से लेकर फुटबॉल के एडमिनिस्ट्रेशन तक सब कुछ में काम करने का एक्सपीरियंस उनके CV को बहुत हैंडसम बनाता है फॉर द टॉप पोजिशन इन इंडियन फुटबॉल। और आप सबको शायद लगेगा कि मैंने क्यों रंजीत बजाज सर का नाम नहीं लिया, क्योंकि दोस्त रंजीत बजाज इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि ही विल डेफिनेटली सपोर्ट इंडियन फुटबॉल एज ही इज़ डूइंग स्टिल नाउ। तो दोस्त ये कुछ चीज़ें बताना था आप सबको आज के इस वीडियो में। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको और किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।